कैसी रही जी आपकी वेलकम कल की जी नहीं मैं नहीं आया आप लोग तो आए थे ना अच्छा मुझे नहीं पता कैसी रही मुनासिब रही कि बस ठीक रही बस गुजार ही था चलें ठीक है ओके जी अकाउंटिंग हेड्स अकाउंटिंग हेड्स पढ़े थे हम एसेट पढ़ा था सबसे पहले जी करंट नॉन करंट रिसोर्स होता है बिज़नेस का और क्या होता है जी अच्छा ओन बाय द बिजनेस भी होता है और इसके अलावा हाँ जी फ्यूचर में बेनिफिट देता है ठीक है और अगर एक साल से ज़्यादा अरसे के लिए फ़ायदा दे तो नॉन करंट और अगर एक साल से कम के लिए दे तो करंट ठीक है जी उसके बाद दूसरा अकाउंटिंग हेड कौन सा था लाइबिलिटी जिम्मेदारी होती है बोझ होता है बिजनेस के ऊपर किस चीज़ का बोझ होता है फ्यूचर में फ्यूचर में पे करना होता है बिल्कुल ठीक है और ये भी नॉन करंट और करंट दो तरह के होते हैं नॉन करंट अगर बोझ या जिम्मेदारी एक साल बाद पे करनी हो तो नॉन करंट, और अगर एक साल से कम अर्से के दौरान पे करनी हो तो करंट लाइबिलिटी ठीक होगी बात अकाउंटिंग हेड कौन सा था इनकम इनकम को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था एक सेल्स या फिर रेवेन्यू और दूसरा अदर इनकम सेल्स रेवेन्यू क्या होता है जी जो मेन बिजनेस या कोर एक्टिविटीज़ से जो पैसे आ रहे होते हैं उनको सेल्स या रेवेन्यू बोलते हैं और अगर कोर बिज़नेस से हट के या कोर एक्टिविटीज़ से हट के पैसे आ रहे हो तो उसको अदर इनकम बोलते हैं मिसाल के तौर पर हमने मिसाल ली थी कि आईफोन अगर आप बेच रहे हैं तो मोबाइल बेचने से जो पैसे आएंगे वो सेल्स या रेवेन्यू होगा और अगर कोई साथ ही आपने एक दूसरी दुकान भी रेंट पे दी हुई है तो उससे जो पैसे आएंगे वो अदर इनकम होंगे चौथा अकाउंटिंग हेड कौन सा था एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस को भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया था कि नहीं ओके okay. एक तो परचेजेस और एक अदर एक्सपेंसेस क्या बात की थी परचेजेस के मुतल जी गुड्स बेचने सॉरी गुड्स ख़रीदने पे जो पैसे लगते हैं उनको परचेजेस बोलते हैं और गुड्स की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी गुड्स क्या होती हैं जी परचेजेस की बात होगी थी ना आपके साथ yes, हाँ जी क्या बताया था परचेजेस अदर एक्सपेंसेस में फ़र्क बताया था मैंने yes, जी क्या फ़र्क होता है yes, हाँ जी परचेजेस होती हैं जो आप मेन चीज़ सेल कर रहे होते हैं उस चीज़ को ख़रीदना जैसे आप मोबाइल फ़ोन बेच रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन ख़रीदना एक्सपेंसेस में नहीं जाएगा बल्कि परचेजेस में जाएगा ठीक होगी बात और परचेजेस आपने कर लिए 200 आईफोन और साल के दौरान आप उसमें से सिर्फ़ 180 ही बेच सके बाकी 20 आपके पास रह गए तो जो 20 रह गए उनको इन्वेंटरी कहा जाएगा ठीक होगी बात अनसोल्ड वो इन्वेंटरी में चला जाएगा बाकी 180 आपकी परचेज रह जाएंगी इसका मतलब है कि साल के आखिर का इंतजार करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि कितनी इन्वेंट्री मौजूद है ठीक होगी बात और अदर एक्सपेंसेस डेली रूटीन के एक्सपेंसेस बिजली का बिल जो छोटा शौकत दुकान पर रखा हुआ है उसकी सैलरी रेंट कोई इंश्योरेंस करा ली आईफोन कहीं चोरी ना हो जाए तो इंश्योरेंस करा ली उस इंश्योरेंस के भी पैसे देने पड़ते हैं बिजली पानी गैस टेलीफोन का बिल ठीक है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये तमाम चीज़ें जो है वो एक्सपेंसेस में जाती हैं ठीक होगी बात यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो बता सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका आज पहला दिन हो अस्तफ़र सर आप कहाँ पर गायब थे आप सब प्रैक्टिकल थे आप लोगों के तो मुझे बताइए कि क्या आप पिछले लेक्चर्स कवर कर पाएंगे जी कर लेंगे क्या आप लोगों ने नीचे बात की है कि आपको ऑनलाइन एक्सेस दी जाए अच्छा आए ही आज हैं कितने हज़रा हैं ज़रा फिर से एक दफ़ा हाथ खड़ा कर लें एक दो तीन चार पाँच सिर्फ छः लोग हैं छः के अलावा तो कोई और शख्स नहीं है चले ठीक है जी आ, गुजारिश करूँगा मैं इनसे और उम्मीदा मान ली जाएगी कि आप लोगों को जो अभी तक हमारे चार लेक्चर्स हुए हैं उनकी आपको शायद एक्सेस दे दी जाए और आप उनको देख के तो समझ के तो आ जाइएगा कोई सवाल हुआ तो क्लास के बाद मेरे से पूछ लीजिएगा अदरवाइज़ उम्मीद है कि आपको बातें समझ आ जाएंगी वैसे मैंने थोड़ी थोड़ी बात बीच में बता ही दी है अगली बात इससे लिंक नहीं है कोई इतना आपको नुकसान नहीं होगा तो आज आप बात करके एक्सेस ले लीजिएगा मैं इनको कह दूंगा इन आपको एक्सेस मिल जाएगी तो दो तीन दिन में आप लेक्चर्स कवर कर लेंगे पहला लेक्चर तो वैसे ही मारा कोई आधे घंटे का था ट्यूसडे का बट पढ़ा हमने वेनसडे थर्सडे फ्राइडे को ही है और इंटेंशनली मैंने थोड़ा ही पढ़ाया क्योंकि मुझे पता था कि कुछ हज़ार जो है वो भी अब तो मंगल को आएंगे ठीक है तो ठीक है जी चलें फिर आगे yes, तो अभी तक हम चार अकाउंटिंग हेड पढ़ चुके हैं जिसमें से एक है एसेट एक है लाइबिलिटी तीसरा है इनकम और चौथा है एक्सपेंसर ओके जी आगे बढ़ते हैं आज गालिबा भाई का नाम था ज़ुबैर भाई ऐसे ही है मैं सुबह से सु, बल्कि मैं रात से सोच रहा था मैं लेक्चर प्रिपेयर कर रहा था ना मैं रात से सोच रहा था भाई का नाम क्या था तो मुझे सुबह फिर अचानक से याद है भाई का नाम ज़ुबैर था पता नहीं क्यों जहन उसामा पे आवा हुआ था समझ नहीं आ रही थी खैर कोई बात नहीं हाँ जी अब तो याद हो गया ज़ुबैर भाई बुरा ना मनाइएगा वैसे ज़ुबैर भाई ने सोचा कि कारोबार शुरू करना है दुकान एक खोलनी है आईफोन की तो क्यों ना एक दुकान खोली जाए ठीक है जी घर से निकले एक दुकान किराए पे ली हफीज़ सेंटर में हफीज़ सेंटर से आप सब वाकिफ़ होंगे ही हफीज़ सेंटर में एक दुकान किराए पे ली किराए पे मुफ्त मिल जाएगी पैसे देने पड़ेंगे बिल्कुल रेंट के पैसे इनको देने पड़ेंगे पहली पहली दफ़ा भी आपको पता है ना रेंट एडवांस में चलता है फिर सिक्योरिटी डिपॉज़िट भी देनी पड़ेगी ठीक है उसके बाद फिर इनको आईफ़ोन ख़रीदने हैं या गाहक आएगा तो कहेंगे या तो ज़रा आधा घंटा बैठ पौना घंटा बैठ मैं ज़रा आई ख़रीद के लाता हूँ ऐसे तो नहीं होगा तो इन्होंने आईफोन भी ख़रीदने होंगे अपनी दुकान पर लगाने होंगे फिर फर्नीचर भी ख़रीदना होगा उसके भी कुछ अखराज वग़ैरह होंगे कुछ एसी या हो सकता है अगर बहुत शशका दिखाना तो एलईडी भी एल भी लगानी होगी टीवी वगैरह इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ये भी होंगे और इसके अलावा क्या हो सकता है एक छोटा शौकत भी तो है हमारी दुकान में जो कि भाग भाग कर हमें आईफोन पकड़ाएगा ऐसा ही है और इसके अलावा तो बेशुमार किस्म के अखराज हो सकते हैं दुकान खोलेंगे तो पहले दिन ही तो गाहक नहीं आना शुरू हो जाएंगे कुछ टाइम लगता है क्योंकि आपने भी अगर कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह ख़रीदना हो तो आप दोस्तों से पूछते हैं यार कोई अच्छा दुकान वाला बताओ तो फिर अच्छा दुकान वाला बनने के लिए तो मार्केट में कुछ अर्सा वेट करना पड़ता है कोई छः महीने पाँच महीने साल उसके बाद जो है वो पता लगता है हाँ भाई ये बंदा अच्छा है तो इसका मतलब ये है कि कुछ अखराजा इनके होने ही हैं सेल शायद उस ताद में ना हो जितनी तादाद में इनके शुरू में खर्चे होंगे ठीक होगी बात मुफ्त तो नहीं होंगे पैसे चाहिए इसका मतलब है कि ये ज़ुबैर भाई जब घर से निकले होंगे तो जेब में कुछ पैसे डाल के निकले होंगे खाली हाथ तो नहीं निकले होंगे तो अगर ये पैसे डालकर निकले होंगे तो मैं मिसाल ले लेता हूँ कि ये पचास लाख रुपया घर से अपनी जेब में डाल कर निकले हैं जब यहाँ से निकले थे तब भी जेब में पचास लाख था और जब ये अपनी शॉप पर पहुंचे ये शॉप है जी और इनका घर है होम तो जब दुकान पर पहुंचे तब भी पचास लाख थे ये पचास लाख इन्होंने दुकान के लिए वक्फ कर दिए यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं ओके उसके बाद अखराजात होने शुरू हो गए अखराजात होते रहे बिज़नेस चलता रहा खर्चे बढ़ते रहे सेल भी होती रही पैसे भी आते रहे मज़ीद आईफोन ख़रीद लिए मज़ीद खर्चा हो गया बिजली का बिल आ गया पे कर दिया हर महीने बिजली का बिल आ रहा है हर महीने गैस का बिल आ रहा है पानी का बिल आ रहा है छोटे शौकत की सैलरी आ रही है काम बढ़ गया एक और मज़दीद छोटे शौकत की जरूरत पड़ गई अब एक छोटा शौकत काम करता है एक मज़ीद छोटा शौकत काम करता है उनकी तरह है और कारोबार फैलता जा रहा है फैलता जा रहा है फैलता जा रहा है और ये ख़र्चे भी बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं कैसे ही होता है कैसे ही होता है ओके साल जब जुबैर साहब ये काम कर लेंगे साल जब इनका पूरा हो जाएगा तो मुझे एक चीज़ बताइए साल बाद जब ये पीछे देखेंगे क्या क्या किया मैंने इनको याद रहेगा कि नहीं ये तो भूल जाएंगे मोटी मोटी बात ठीक है याद रहेगी रेंट कितना था आईफोन पहली दफ़ा कितने के ख़रीदे थे याद नहीं अब तो मैं कोई पचास दफ़ा ख़रीदारी कर चुका हूँ मुझे तो नहीं याद पहली दफ़ा कितने के ख़रीदे थे नहीं याद रहेगा पहली दफ़ा मैंने छोटे शख्त को कितनी सैलरी दी थी नहीं याद रहेगा भूल जाते इंसान साल पुराने जो खर्चे किए होंगे कहाँ याद रहते हैं आपसे अगर मैं पूछूं कि पिछले साल आपने कौन से खर्चे किए थे पिछले साल तो क्या आपको पिछले महीने के खर्चे याद नहीं होंगे ऐसे ही है तो ये क्या करेंगे ये फैसला करेंगे कि पहले दिन से ही ये तमाम अखराजत या ये तमाम पैसे जो मैं किसी को दूंगा वो मैं अपने पास कहीं पर लिख लेता हूँ कहीं रिकॉर्ड कर लेता हूँ क्या ये बात दुरुस्त है ये साथ साथ कहीं ना कहीं लिखते रहेंगे या खुद लिखते रहेंगे या इस छोटे शौकत को कहेंगे कि यार साथ साथ लिखते जाओ ताकि साल बाद जब हम ये देखना चाहें कि कितना खर्चा हुआ था हमें वो डायरी या वो कागज देख के पता लग जाए कि इतना खर्चा हुआ था क्या ये बात समझ आती है ओके ले जी साल गुजरा खर्चों की एक लाइन लगी हुई है जो कि हमने कागज पे लिखी हुई है ठीक हो गई बात सुबैर साहब दो मिनट के लिए मान लें इंसान है बेगम की सालगर आ गई बेगम ने कहा कि मुझे चाहिए डायमंड का हार वरना कल से घर मत आना मजबूर थे क्या करते इनको एक डायमंड का हार जो है वो खरीदना पड़ा नेकलेस बोलते हैं पांच लाख का खरीदा और घर ले गए अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं छोटा शौकत है या खुद है बिज़नेस के जितने भी अखराज हैं कागज़ पर लिख रहे हैं लिख रहे हैं मुझे बताइए क्या ये पांच लाख इनको बिज़नेस के खर्चों में लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए तो। नहीं लिखना चाहिए क्यों नहीं लिखना चाहिए तो ये तो बिज़नेस का ख़र्चा नहीं है ये तो बिज़नेस का खर्चा नहीं है तो इनका जाती ख़र्चा है ऐसे ही है तो क्या बिज़नेस और ज़ातियात को इकट्ठा रखना चाहिए या अगर इनको अलहदा अलदा रखा जाए तो बेहतर है अलीदा अलहदा रखा जाए तो बेहतर है यहाँ तक सब साथ है। yes, कैसे पता लगा कि ये ज़ाती खर्चा है uh, नहीं घर लेकर गया इस uh, मेरे ख्याल में इतनी कोई मुनासिब रीज़न नहीं है uh, कोई और इसके अलावा रीज़न बिजनेस से रिलेटेड नहीं है घर लेकर गया इज समथिंग एल्स बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है ये बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है बेगम तो अलहदा है ना वो तो घर है यहाँ पर दुकान पर तो नहीं है घर है तो ये भाईजान बिजनेस का खर्चा नहीं है ये तो इनका ज़ाती एक तरह का खर्चा है इसका मतलब ये है कि हमें एक दीवार बनानी पड़ेगी एक घर के दरमियान और बिजनेस के दरमियान क्या मानते हैं इस बात को yes, यहाँ वाली चीज़ें इसके इस तरफ और यहाँ वाली चीज़ें इसके इस तरफ मानते हैं इस बात को yes, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का ठीक है जी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट यही होता है कि आपका बिजनेस अलहदा और आप और आपकी जतियात अलहदा आप और बिजनेस एक नहीं हो सकते अब मैं दोबारा से वापस आऊं हाँ, तो जब ये घर से पांच लाख पचास लाख सॉरी लेकर निकले और दुकान पर लाकर रख दिए तो अब ये पचास लाख बिजनेस के हो गए इनके नहीं रहे अब ये पचास लाख से इन भाई साहब का कोई ताल्लुक नहीं है अब ये बिजनेस के पास आ चुके हैं ये बात आप सबको समझ आइए तो इसका मतलब ये है कि हमेशा अपने आप को और बिजनेस को आपने अलहदा अलहदा रखना है ये दोनों चीजें मिक्स नहीं करनी बात समझ आती है इसको बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ठीक है जी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है जी कि बिज़नेस और आप दो अलग अलग चीज़ें हैं बिजनेस और ओनर दो अलग अलग, अलग चीज़ें हैं ठीक है जुबैर साहब ये नहीं कह सकते मेरे आईफोन कहेंगे बिजनेस के आईफोन है ये ये बिज़नेस का रेंट है ये बिजनेस का फर्नीचर है ये बिजनेस का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है ये बिजनेस का छोटा शौकात है मेरा छोटा शौकत तो नहीं है मेरा छोटा शौकत तो इधर कहीं होगा ऐसे ही है बात समझ आ रही है तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब आपको समझ आ गया कि बिजनेस और ओनर एक अलग-अलग चीजें हैं बीच में एक दीवार है आपने यह तमीज करना सीखना है कि क्या चीज आपकी जाती दीवार के उस तरफ है और क्या चीज आपकी बिजनेस की दीवार के इस तरफ है क्या ये बात आप सबको समझ आ गई है yes. यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है कोई सवाल नहीं है या तो कुछ समझ नहीं आ रहा या सब समझ आ रहा, आ रहा है जी भाई एंटिटी में बता देता हूँ देखिए एंटिटी जो है ना ये बेसिकली कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है ठीक है इदारे के लिए एंटिटी नॉर्मली हम यही बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन कंपनी इदारा एंटिटी का लफ्ज यूज़ होता है तो ऑर्गेनाइजेशन का लफ्ज चूंकि हमने पहले दिन पढ़ लिया था तो इसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है उसको हम एंटिटी भी कह देते हैं किसका आ, नहीं मलकियत नहीं होता वो बिज़नेस या ऑर्गेनाइजेशन के ज़ुमरे में बोलते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपकी मलकियत होता है शायद उस जुमरे में आपने सुना हो ठीक है जी जो हजरात आज पहली दफ़ा आए हैं उनको मैं बताता चलूँ कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है भाई चंद लोग इकट्ठे होते हैं ठीक है किसी मकसद के लिए उसको ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं और फिर हमने बिजनेस भी पढ़ लिया था बिजनेस क्या होता है बिज़नेस दो तरह के होते हैं एक प्रॉफिट सेकिंग होता है और एक नॉट फॉर प्रॉफिट होता है प्रॉफिट सीकिंग क्या होता है जी अगर आप लोग इकट्ठे हुए हैं प्रॉफिट अच्छा आई एम आई एम सॉरी हाँ बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन दो तरह की सॉरी ऑर्गेनाइजेशन दो तरह की होती हैं प्रॉफिट सेकिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जिनका मकसद होता है प्रॉफिट कमाना जैसे कि होंडा हो गया डॉलेंस हो गया टेटा सुजुकी ये तमाम प्रॉफिट कमाने के लिए इकट्ठे हुए हैं जबकि शौकत हानम की बात की जाए ईदी की बात की जाए रेस्क्यू डबल वन डबल टू की बात की जाए तो ये कोई प्रॉफिट कमाने के लिए इकट्ठे नहीं हुए बल्कि ये किस लिए इकट्ठे हुए हैं ये आ, लोगों की फलाह बहबूद के लिए समाज सेवा के लिए इकट्ठे हुए हैं तो इसीलिए इनको नॉन प्रॉफिट कहा जाता है फिर बिज़नेस हमने बात की थी कि बिज़नेस का लफ्ज़ जो है वो सिर्फ प्रॉफिट सेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ही जोड़ा जाता है नॉन प्रॉफिट के साथ नहीं जोड़ा जाता आप अगर फैसल इदी साहब को जाकर कहें भाई बहुत अच्छा कारोबार कर रहे हो तो मैंने इन लोगों को ये कहा था कि वो आपको शायद ऐसे अल्फाज कह दें जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता ठीक है जी तो बिजनेस का लफ्ज़ नॉन प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल नहीं होता वो सिर्फ प्रॉफिट सीकिंग के लिए इस्तेमाल होता है ठीक है जी तो प्रॉफिट सीकिंग बिजनेस की बात की जाए तो फिर उसमें तीन तरह के बिज़नेस आते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस आता है एक ट्रेडिंग बिज़नेस आता है एक सर्विस बिज़नेस आता है तो मैन्युफैक्चरिंग होता है चीज़ें बना कर बेचना ट्रेडिंग होता है जी ख़रीद कर बेचना वैसी ही हालत में हालत चेंज नहीं होती मैन्युफैक्चरिंग में हालत चेंज हो जाती है और सर्विस बिज़नेस होता है जैसे कि अभी आपको सर्विसेज दी जा रही हैं इसमें वक्त और स्किल्स टाइम और स्किल दोनों चीज़ें शामिल होती हैं दोनों में से एक चीज़ भी मिस हो जाए तो सर्विस नहीं रहती ठीक होगी बात तो यहाँ तक हमने कुछ शुरू में बात पढ़ी थी उसके बाद फिर हम अकाउंटिंग हेड्स की तरफ आए हुए थे उनकी एक ब्रीफ समरी मैंने बयान कर दी जी यहाँ तो कोई सवाल किसी का दीवार लग गई बीच में जी एक दीवार लग गई तो इस तरफ बिजनेस उस तरफ जाती जिंदगी दोनों को मिक्स नहीं करना तो इसका मतलब ये है कि 50 लाख जब घर में पड़ा था तो कुछ और था और जब दुकान पर आया तो कुछ और बन गया ऐसे ही है याद रखिएगा वो पैसा जो ओनर बिजनेस में लेकर आए इसको बोलते हैं कैपिटल ये पैसा घर से लेकर आए तो घर से जब निकले थे तो ये कुछ और था जैसे ही दीवार फलांगी साथ ही कैपिटल बन गया ठीक होगी बात तो ये जो छोटा शौकत जिसको एक जिम्मेदारी ये भी दी गई है कि तुमने ये तमाम बातें लिखनी है तो जब पचास लाख बिजनेस में आया होगा जैसे ही दीवार फलांगी होगी ओनर ने बिजनेस के अंदर साथ ही छोटे शौकत ने कहा मालिक आ गए और बिजनेस में कैपिटल ले आए ठीक होगी बात तो वो पैसा जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है इसको कैपिटल बोलते हैं कैपिटल की डेफिनेशन लिखिए और हमारा जो पांचवा काउंटिंग हेड है उसका नाम है कैपिटल ये कुछ हजरात लेट आए हैं खैरियत थी भाई खैरियत ही लेट हो गए आप लोग पहला दिन है आप भी पहले दिन तो छह हजरा पहले थे अभी जो लेट आए वो कौन लोग हैं छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह हज़रात हो गए जी ठीक है आपका भी पहला दिन है ओके okay, नहीं जो पहले दिन आया बस उनकी बात हो रही है जो लेट आए और जिनका पहला दिन था यही लोग हैं ना ठीक है जी आप लोग क्लास के बाद नौ साढ़े नौ जाके इधर ही होते हैं ना नौ साढ़े नौ आप लोग बस ठीक है उनसे बात कर लीजिएगा आपको ऑनलाइन एक्सेस मिल जाएगी पहले चार लेक्चर्स की ठीक है जी तो देख लीजिएगा चार लेक्चर्स इंशाल्लाह आपको फायदा हो जाएगा ये किसी को फेंटनी पड़ रही है बस यार आप लोग इतने खामोश हमोश के रहते हैं नींद वैसे कोई इशू है कोई मेरे से डर लगता है आपको फिर क्या मसला है जी नींद आ रही है अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा मेन मसला यह है कि नींद आ रही है ओके हाँ यह तो जनरल मसला है भाई कितने ये किन भाई को नींद आ रही है बोल यार जी भाई भाई कितने बजे सोते हैं रात को बारह बजे सोते हैं और भाई सुबह कितने बजे उठते हैं पांच बजे उठते हैं उसके बाद सोते हैं फिर फिर नहीं सोते हैं। घर जाके सोते हैं? अभी जब क्लासेस खत्म होंगी दो बजे के बाद भाई सो जाते हैं चले दो बजे सो जाते हैं फिर कितने बजे उठते हैं चार साढ़े चार बजे फिर रात बारह बजे तक जागते रहते हैं यानी भाई दिन में कोई साढ़े सात आठ घंटे ज्यूम कर लें कि सो जाते हैं मैक्सिमम भाई बहुत खुशकिस्मत है आप क्या आप दिन में सात घंटे सो जाते हैं ये जब आप सीए कर लेंगे ना मेरे जैसे हो जाएंगे आप नींद को तरसेंगे आपको साढ़े चार घंटे पाँच घंटे चार घंटे ये करना पड़ेगा ठीक है जी अभी मुझे सैटरडे नाइट को बुखार हो गया मैं संडे पूरा दिन में बुखार में रहा मैं ज़ुकाम भी था साथ तो मैं वो मेडिसन खा रहा था वो उसे पता है आपको नींद आ जाती है फ्लू की मेडिसिन अक्सर एलर्जी से भी एंटी एलर्जिक से भी आ जाती है तो बस सो नहीं पाया या तो काम थे या तो दीवार के इस तरफ होता था तो लैपटॉप होता था ये दफ्तर मेरे साथ साथ रहता है हमेशा ये काम रहता था अगर दीवार के उस तरफ चला जाता था तो बच्चे थे वो नहीं सोने देते थे तो इसीलिए ना ये जब आप सीए कर लेंगे ना तो इस सात घंटे की नींद को तरसेंगे आप ठीक है तो छः घंटे सात घंटे की नींद काफ़ी होती है ठीक है भाई तो रात को जल्दी सो जाया करें बारह बजे सी आप पता नहीं क्या करते रहते हैं ठीक है पूछा नहीं मैंने क्या करते रहते हैं बस ठीक है लिखें जी कैपिटल के डेफिनेशन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इंटू द बिजनेस अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इंटू द बिजनेस जो हजरात जिनका आज पहला दिन है वो कोई छः सात सफ़े छोड़कर तो लिख दें लेक्चर नंबर फाइव ताकि पहले चार पाँच छह सफ़ों पर वो पहले चार लेक्चर लिख लें ठीक है जी तो कैपिटल की डेफिनेशन मैंने लिखवाई अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन टू द बिजनेस ठीक है जी सी ए का मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया छोड़कर बस किताबों में ही मगन हो जाए ऐसा कोई आपको करने का नहीं कह रहा ठीक है आज बाकी ज़िंदगी भी साथ है दोस्त भी साथ है रिश्तेदारियां भी साथ हैं सबको साथ चल रहे हैं आपने ठीक है रोज़ का काम रोज़ करते रहा करें ताकि ये नौबत ना आए कि एंड पे दोस्तों के भी फ़ोन काट रहे हो और रिश्तेदारों कज़न का भी फ़ोन काट रहे हो ठीक है जी तो साथ साथ पढ़ते रहा करें बोझ नहीं पड़ेगा आप पे वरना लाइबिलिटी बन जाएगी ठीक है जी अब लाइबिलिटी का मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है ओके हो गई बात तो सब कुछ साथ साथ है छोड़ना कुछ नहीं है लेकिन यह है कि साथ साथ बस करते रहा करें ताकि जिंदगी आसान रहे ओके सुबह भाई चले आगे yes, ओके ले जी जैसे दीवार फलांग के इस तरफ आया जा सकता है तो क्या दीवार फलांग के उस तरफ भी जाया जा सकता है यह जो पांच लाख रुपया भाई साहब अपने बिज़नेस से निकाल कर घर ले गए ऐसे ही किया इन्होंने घर ले गए और फिर नेकलेस ख़रीद के बेगम को तोहफ़े में दिया तो मुझे ये बताइए कि ये जो पाँच लाख है ये तो हमने मान लिया कि ये बिज़नेस का ख़र्चा नहीं है इसका बिज़नेस से कोई ताल्लुक़ नहीं है लेकिन दूसरे अल्फाज में बिजनेस में से पाँच लाख रुपया तो कम हो गया ना क्या आप मानते हैं इस बात को और अगर बिज़नेस से ये पाँच लाख रुपया कम हो गया तो फिर जो छोटा शौकत हर खर्चा लिख रहा है अपने पास ये पांच लाख भी लिखेगा ऐसे ही है तो अगर ये पांच लाख लिखेगा तो इस पांच लाख को बोलेगा क्या इस पांच लाख को बोलेगा कि ओनर आया पैसे पकड़े दीवार फलांगी घर चला गया तो यहां पर जैसे दीवार फलांगेगा वो बोलेगा कि ये आपकी ड्राइंग्स हैं ये पैसे ये ड्राइंग्स स लफ निकला विदड्रॉ से विदड्रॉ होता है निकालना कि आपने बिजनेस से ये पैसा निकाल लिया निकाल कैसे लिया भाई अब ये पैसा बिजनेस में ही दोबारा नहीं जा रहा अब ये निकल के बस अब घर चला गया ऐसे ही है तो जो पैसे ओनर बिजनेस से निकाल लेता है उसको ड्राइंग्स बोलते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल जो निकाल लेता है उसको ड्राॅइंग बिज़नेस में आना कैपिटल बिज़नेस से जाना ड्राॅइंग्स ठीक है याद रखिएगा ये काम सिर्फ ओनर कर सकता है जो ओनर पैसा लेके आए वो कैपिटल जो ओनर पैसा निकाले वो ड्राॅइंग्स ये ड्रॉइंग्स एक अलहदा हेड नहीं है ये बस समझ आए कैपिटल की रिवर्सल ही है ठीक है ये कैपिटल की रिवर्सल है ये ड्रॉइंग्स छठा हेड नहीं है हेड जो पाँच पे ही आ रुक जाते हैं तो बस कैपिटल आपने लिखा था अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस तो ड्राॅइंग्स में क्या लिखेंगे अमाउंट विद ड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस अमाउंट विद ड्रॉन बाय द ओनर अमाउंट विद ड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस अमाउंट अमाउंट विद ड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस बात समझ आती है जी सर जी दो मिनट दीजिएगा प्लीज़ ओके जी तो पांचवा हेड हमारा कैपिटल और इसी के आगे ड्राइंग्स कैपिटल और ड्राइंग्स एक ही हेड है कैपिटल जो है वो बिज़नेस में पैसा आना अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस और ड्राइंग्स अमाउंट विदड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिज़नेस एक दूसरे का नेगेटिव है ठीक है जी कोई सवाल किसी का यहाँ तक कोई सवाल नहीं बिटा दूँ ये सारा कुछ चलें जी आगे चलते हैं एक सवाल का जवाब दीजिए मिसाल के तौर पे सुबैर भाई हैं इन्होंने बिजनेस के लिए कोई एसेट खरीदना है ठीक है कोई भी एसेट एसेट आपको पता है क्या होता है ऐसा रिसोर्स जो बिजनेस ओन करता हो और आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे हम मिसाल दे देते हैं कि इन्होंने ए सी खरीदना है ठीक है ए सी आपको एक साल से ज्यादा अरसे के लिए फ़ायदा देता है तो इसको हम नॉन करेंट एसेट या फिक्स्ड एसेट भी कह सकते हैं ठीक होगी बात दो लाख रुपए का आएगा मिसाल के तौर पे ये दो लाख आएगा कहां से दो लाख आएगा कहां से पैसे कहां से आएंगे वो जो पचास लाख घर से लाए थे वहां से आएंगे यानी आप ये फरमा रहे हैं कि ये कैपिटल में से आएगा कैपिटल में से आएगा भाई ने फरमाया ये कैपिटल में से आएगा और कहीं से आ सकता है प्रॉफिट प्रॉफिट में से आ सकता है Lender. चले इस सवाल को ना अभी पेंडिंग रखें क्योंकि वो जो प्रॉफिट है ना वो इसी कैपिटल से ही बना है इसी को आपने इन्वेस्ट किया और पैसा आया तो वो भी कैपिटल ही है वो भी कैपिटल ही और कर्जा ले सकते हैं लाइबिलिटी लाइबिलिटी और कहां से आ सकता है और कहां से आ सकता है जे चोरी करके अच्छा और कहाँ से आ सकता है जी भाई घर पढ़ाओ एक्स्ट्रा तो घर से लेकर आए कैपिटल ही हो गया ना जी और अदर सोर्सेस कौन से होते हैं मेरे दोस्त चोरी होता है वो भाई ने वैसे सही बताया और? और कोई बिजनेस हो तो इसका मतलब ये है कि दूसरे बिजनेस से निकाल के इस बिजनेस में लाएंगे ऐसे ही होगा हाँ ठीक है तो दूसरे बिजनेस के कैपिटल में से पहले पैसे निकलेंगे यानी दूसरे बिजनेस में से ड्राइंग्स होंगी और फिर इस बिजनेस में एंटर होंगी यानी कि कैपिटल होगा तो कैपिटल हो गया कैपिटल और और बताइए जी सर और बताइए नहीं बस खत्म जी डेटर से रकम लेनी हो तो क्या वो सेल होती है सेल की हो तो पैसे लेने होते हैं उनसे तो क्या वो हमारे प्रॉफिट में इजाफा कर रहे होते हैं वैसे ये बात बातें थोड़ी ऊपर की है बिज़नेस से उसी जो कैपिटल इन्वेस्ट किया होता है उसी से वो सेल होती है ना उसी से अगर सेल होती है तो वो कैपिटल का हिस्सा होता है ना तो वो कैपिटल ही होता है वो जो बिज़नेस में इन्वेस्ट करके बिज़नेस से ही आपने कमाया वो सारा कैपिटल का हिस्सा ही बनता है आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जाएंगे कि वो किस तरह से कैपिटल होता है जी दो ही होते हैं जी दो ही तरीके हैं तीसरा कोई तरीका नहीं या अपने पैसे से ख़रीद लो या किसी और के पैसों से ख़रीद लो वो जो भाई चोरी कर रहे थे ना चोरी का कह रहे सॉरी कर नहीं रहे थे कह रहे थे आ, वो लाइबिलिटी के ज़ुमरे में ही आएगा किसी और के पैसे या अपने पैसे या किसी और के पैसे तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि बिज़नेस के जितने भी एसेट्स होंगे वो या तो आपके अपने पैसों से होंगे या किसी और के पैसों से होंगे तो क्या मैं यहाँ पे ये बात देख सकता हूँ क्या ये बात मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एसेट्स जो है बिज़नेस के वो बराबर होंगे आपके कैपिटल के या लाइबिलिटी के या एसेट्स कैपिटल से आएंगे या एसेट्स लाइबिलिटी से आएंगे क्या ये बात आप सबको समझ आती है किसी को इसमें इख्तलाफ हो तो वो पूछ सकता है नहीं ओके इसको इसलाह में बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन और आपकी पूरी अकाउंटिंग ज़्यादातर इसी इक्वेशन पे खड़ी हुई है ठीक है हमारा मकसद अकाउंटिंग में क्या होगा इस इक्वेशन को हर हाल में बैलेंस रखना ये मैच होगी इक्वेशन तो पढ़ी हुई है ना आप लोगों ने पढ़ी हुई है? आजकल किस क्लास में इक्वेशन पढ़ा देते हैं चौथी में तीसरी में फोर्थ में पढ़ा देते हैं इक्वेजन्स असतफरल तो चले चौथी में पढ़ा देते हैं इक्वेशंस तो आपका और इक्वेशंस का ताल्लुक कोई आठ दस साल पुराना है तो इतना तो आपको पता ही होगा कि इक्वेशंस की दोनों साइड आपस में बराबर ही होती हैं तो ये दोनों साइड्स भी हमेशा बराबर ही होंगी ठीक होगी बात सर मुझे क्यों लग रहा है कि आप बड़े मुश्किल मुश्किल सवाल पूछा करेंगे मेरे से जी भाई हाँ जी जब किस्तें पूरी हो जाएंगी तो फिर हम एसेट में शामिल कर देंगे हाँ जी फिर शामिल कर देंगे बिल्कुल ये गाड़ी जो आप किस्तों पे लेते हैं वो इसी की मिसाल है वो गाड़ी शुरू शुरू में आपकी तो नहीं होती वो जब आप पूरी किस्तें पाँच साल की या तीन साल की पे कर देते हैं उसके बाद वो गाड़ी आपकी होती है ऐसे ही है तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूँ कि गाड़ी पहले दिन आपकी इतनी सी भी नहीं होती फिर आप एक किस्त देते हैं थोड़ी सी आपकी हो जाती है बाकी का बोझ दूसरी किस्त दी मजीद थोड़ी से ज़्यादा आपकी हो गई बोझ थोड़ा कम तीसरी किस्त आपकी गाड़ी बोझ कम करते करते बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है एसेट आपका बनता जाता है और एक टाइम आता है कि आपका बोझ बिल्कुल ख़त्म हो जाता फिर है फिर वो आपका हंड्रेड परसेंट एसेट बन जाता है इस बात के ऊपर ना मैंने आपको जैसे बताया था कि अकाउंटिंग के कुछ कवानी हैं अकाउंटिंग के कुछ रूल्स हैं पूरा एक और उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में पढ़ने हैं ठीक है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं कुछ जिनको फॉलो करते हुए ये सारी बातें मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ ठीक है कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं सनेरियोज होते हैं जिसमें उसने पूरा एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है जैसे कि ये आप बात करें ना इसको लीज बोलते हैं कार लीज़ करवाना सुना ही होगा आपने गाड़ी लीज़ करवाई हुई है लीज़ पे पूरा एक अकाउंटिंग वालों ने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि इसको कैसे रिकॉर्ड करना है क्योंकि हम जब अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग के अंदर चीज़ों को रिकॉर्ड करना आता है इन जब हम ये किताब पढ़ेंगे तो इसमें हम डेफिनेशन भी पढ़ेंगे ठीक है जी तो इसमें चीज़ों को रिकॉर्ड करना होता है रिकॉर्ड कैसे करना है ये हमें अकाउंटिंग वाले बताते हैं ठीक है हर चीज़ के रिकॉर्डिंग की ना उसके अंदर हमें एक चीज़ बताई हुई है सब कुछ बताया हुआ एसेट को कैसे रिकॉर्ड करना है पूरा स्टैंडर्ड है उसके ऊपर फिर सॉफ्टवेयर है इसको भी बोलते हैं इसका भी एक ख़ास काम होता है इसको कैसे रिकॉर्ड करना है बेशुमार किस्म की फजूलियात है उसके अंदर तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं इनको लेकिन ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इनका पुराना नाम है अब नया नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आई एफ आर एस तो आई ए एस आई एफ आर एस इनको बोलते हैं तो ये भी आप इंशाल्लाह अगली क्लासेस में जाकर तो पढ़ा करेंगे ठीक है जी और कोई सवाल जी, जी देखिए बैंक जब भी आपको कर्जा देता है ये बात शायद कोर्स से थोड़ा सा हट के है लेकिन फिर भी आपकी बता देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए देखिए जब भी आप बैंक से कर्जा लेते हैं बैंक कभी भी आपको वो चीज़ वैसे नहीं देता उसको कोई गारंटी चाहिए होती है कोई श्योरिटी चाहिए होती है कि आप ये पैसा वापस करेंगे तो वो कैसे गारंटी होगी जब तक आप उसको उतनी ही मालियत की कोई चीज़ रखवा नहीं देते हैं अगर आपने दस करोड़ रुपए का कर्ज़ा लिया है तो आपसे कहेगा दस करोड़ की कोई भी चीज़ मेरे पास रखवा दो तो आप दस करोड़ मालियत का कोई प्लॉट कोई बिल्डिंग कोई घर कुछ भी होगा वो आप बैंक के पास रखवाएंगे तो वो आपको दस करोड़ रुपया कैश में दे देगा ताकि कल को अगर आप दस करोड़ रुपया लेकर भागें तो वो उसके पास आपकी ज़मीन मौजूद हो जिसको वो बेच सके और अपने पैसे पूरे कर सके इसी ज़रूरी है गाड़ी के, के केस में बात करें तो गाड़ी की जब तक आप तमाम किस्तें नहीं उतार देते तब तक गाड़ी बैंक के नाम रहती है ताकि कल को अगर आप गाड़ी लेकर भाग जाएँ तो वो एफआईआर कटवाकर गाड़ी आपसे रिकवर कर सकें उसको बेच के तो पैसे पूरे कर सकें ठीक है जी चलें जी आगे तो इसका मतलब ये है कि इस अकाउंटिंग इक्वेशन को हमने हमेशा क्या करना है बैलेंस रखना है ठीक है जी ओके अब वैसे ही आपके सामने ना कुछ बातें करता हूँ और देखता हूँ कि क्या हमारी इक्वेशन मैच रहती है कि नहीं उसके बाद फिर हम प्रॉपर सवाल की तरफ आएंगे पांच मिलियन जुबैर साहब घर से उठा के बिजनेस में लेकर आए थे हमने इसको क्या बोला था कैपिटल हमने बोला था कि ये कैपिटल है क्या कैपिटल में पांच मिलियन का इजाफा हुआ था प्लस फाइव मिलियन ये तो इक्वेशन की राइट साइड ऊपर चली गई एसेट में किसी चीज का इजाफा हुआ सोच के बताइए कैश नहीं आ गया बिजनेस के अंदर कैश भी आ गया अब ड्रॉर में कैश भी पड़ा हुआ है तो एसेट के नीचे कैश पांच मिलियन ले जी इक्वेशन मैच इक्वेशन मैच होगी ठीक होगी बात अगली बात करते हैं मिसाल के तौर पे, अब इसी पैसों में से पांच लाख चले दो लाख कर लें दो लाख रुपए का एक एसी खरीद लिया दो लाख रुपए का एसी खरीद लिया ओके क्या मेरे पास जो एसेट के अंदर एक एसी, एक कैश हेडिंग बना लेते हैं ताकि बता रहे इसी कैश में से खरीदा इसी कैश में से खरीदा दो लाख रुपए मेरे पास कम हो गए yes. और अगर एसी या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बात करें इसमें दो लाख का इजाफा हो गया yes. क्या इक्वेशन मैच है या आउट हो गई है yes. मैच है देखें ये जीरो हो गई ना तो इस तरफ तो वैसे ही जीरो है तो मैच है इक्वेशन हमेशा मैच रहनी चाहिए इक्वेशन कभी भी मिसमैच नहीं होनी चाहिए ठीक होगी बात बिजनेस के लिए एक गाड़ी खरीद ली आठ लाख रुपए की जी क्या करेंगे एक तीसरा कॉलम आ जाएगा वहीकल ऐसे ही है भाई इसी में से खरीदी कैश आठ लाख रुपया कम हो गया और यहां पे वहीकल के नीचे आठ लाख रुपए का इजाफा हो गया क्या इक्वेशन मैच है क्या आउट हो गई है इक्वेशन बिल्कुल मैच है बिल्कुल मैच है एक और गाड़ी छः लाख रुपए की खरीद ली लेकिन पैसे किसी से उधार ले लिए तो बताइए क्या लाइबलिटी में छः लाख का इजाफा होगा yes, जी बिल्कुल लाइबिलिटी में छः लाख का इजाफा होगा और अगर यहाँ पे छः लाख का इजाफा होगा तो वहीकल भी तो आई है इसमें भी छः लाख का इजाफ़ा होगा देख लीजिए इक्वेशन दोनों साइड से अभी भी मैच है तो हमने ये इक्वेशन हमेशा क्या रखनी है मैच रखनी है हमेशा इसके दो इम्पैक्ट्स होंगे या दोनों एक तरफ उस तरफ होंगे या दोनों इस तरफ होंगे या एक उस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा लेकिन इक्वेशन मैच रहेगी ठीक होगी बात अब आप लोग कोई मेरा इम्तहान लेने के लिए कोई भी एक ट्रांजेक्शन बोल दें तो मैं उसको यहाँ पर लिखता हूँ ताकि देखते हैं इक्वेशन मैच रहती है कि नहीं सर कोई ऐसे ही बता दीजिए लाइबिलिटी वाले पैसे वापस करेंगे लाइबिलिटी कम हो जाएगी बोझ खत्म हो जाएगा क्या ये माइनस हो जाएगा कहां से पे करेंगे अपने कैश में से पे करेंगे तो माइनस छ लाख देखिए भाई क्या इक्वेशन मैच है हमारी ठीक है जी और कोई भाई इम्तिहान लेना चाहे मेरा जी कोई इम्तिहान नहीं लेना चाह रहा यार ट्रांजेक्शन इनमें नहीं आ रही चले ट्रांजेक्शन तो सवाल भरे पड़े हैं वहां से हम देख ही लेंगे फिलहाल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये दोनों चीजें दोनों साइड्स आपस में बराबर होंगी किसी को इसमें इख्तलाफ है तो वो पूछ सकता है किसी एक शख्स को भी इसमें इख्तलाफ हो या कोई बात समझ ना आ रही हो सर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट जी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट सर बताइए आप ही बताइए क्या होना चाहिए लाइबिलिटी बढ़ जाएगी एक बात तो तय हो गई कि लाइबिलिटी में अमाउंट ऐड हो जाएगी जो भी अमाउंट है जी गुड्स का कॉलम कहां पर बनेगा ओके दो मिनट यहां पर रुक जाए आपने जो सवाल किया मैं इसी सवाल में एक और सवाल ऐड करता हूं अगर मैंने चीजें उधार पर सेल कर दी आपने उधार पर परचेस करने की बात की मैंने उधार पर सेल करने की बात की यह भी तो एक सवाल यह निशान है ना तो अगर उधार पर सेल कर दी तो उधार पर सेल करना डेटर्स, yes, yes, डेटर एक एसेट होता है ये बात तो हम तय कर चुके हैं तो शायद यहां पर एक डेटर का कॉलम बनेगा और डेटर के नीचे मिसाल के तौर पे एक लाख रुपया प्लस हो जाया करेगा यह बात तो तय हो गई इसका दूसरी साइड कहां पे लिखेंगे ऐसे ही है ये वही सवाल है जो परचेज में आ रहा है कि परचेज में हम लाइबिलिटी के नीचे क्रेडिटर की हेडिंग डालेंगे और क्रेडिटर के नीचे अमाउंट लिखेंगे लेकिन दूसरी चीज कहां पर लिखेंगे मसला हो रहा है ना सेल का पता लग रहा है ना परचेज का पता लग रहा है कंफ्यूजन हो रही है ये बिल्कुल कंफ्यूजन है जी देखिए अब बात को जरा ध्यान से समझिएगा आपने बिजनेस में पचास लाख रुपया इन्वेस्ट किया ऐसे ही है ओके पचास लाख रुपया जब आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया आपका कैपिटल था वो ओके इस कैपिटल की मदद से आपने सेल्स जनरेट की इस कैपिटल की मदद से आपने इतना प्यारी दुकान बनाई उसमें आईफोन लगाया फर्नीचर लगाया एसी लगाया ताकि कस्टमर जो है वो आए और उसकी बेस पे आपने चीजें सेल की मुझे बताइए अगर आपने पचास लाख इन्वेस्ट किया था और पचास लाख में से मिसाल के तौर पर चालीस लाख रुपए आपका इन तमाम चीजों पर खर्च हो गया अब पीछे आपके पास दस लाख पड़ा हुआ अब आपने पांच लाख रुपए की सेल कर दी अब ये पांच लाख रुपया मिसाल के तौर पे आसान बात करते हैं कैश सेल है कैश सेल है आपने कैश में सेल कर दिया आपके पास पांच लाख कैश आ गया आ गया कैश एसेट पांच लाख से बढ़ गए बढ़ गए ओके दूसरी तरफ आपके पास दस लाख हुआ है ऐसे ही है और आपने पांच लाख की सेल की अब वो पंद्रह हो गया आज अगर आप सोचें कि मैं ये कारोबार बंद करने लगाऊं ये जुबैर साहब सोचते हैं बस कारोबार बंद घर कितने पैसे लेके जाएंगे <coughs> सोच के बताइए मैं यहां पे नंबर्स लिख देता हूं आपने पचास लाख कैपिटल इन्वेस्ट किया था उसमें से चालीस लाख तो आपका इन तमाम चीजों पर लग गया पीछे बचा दस लाख आपने सेल कर दी पांच लाख रुपए की आज सोच लिया कि बिजनेस बंद कर देते हैं कितना पैसा घर लेके जाएंगे बताइए प्रॉफिट ये प्रॉफिट क्यों मिक्स कर रहे हैं बीच में हाँ अभी बात करते हैं अभी मैंने परचेज पे मैं आता हूँ मैंने इसलिए सवाल सेल पे ले आया था ताकि समझाने में आसानी हो अभी मैं परचेज पे भी आता हूँ कॉस्ट परचेज ही है ना मेरी अभी इस पर भी आता हूँ यह मसला आपका हल है ये बात समझ आ गई तो ये जो पाँच लाख है इस पाँच लाख की बात करें क्या ये पाँच लाख मेरे कैपिटल में इजाफा कर रहा रहे कैपिटल में इजाफा कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता मेरे कैपिटल में इजाफा करता जाएगा जितनी ज़्यादा सेल करता रहूंगा मैं जो 50 लाख से कारोबार शुरू किया था अब आप लोगों ने खुद कहा सर ये तो पचपन हो गया पहले पचास है ना ठीक है अब जारी बात है जो चीज़ें बनाई वो भी तो बेचूंगा ना फर्नीचर बेच दिया वो सारा कुछ ए सी बेच दिया तो वापस मान लें दो मिनट के लिए कि उतने के बिक जाएगा बिक जाएगा जितने का खरीदा था तो वापस पचास आ जाएगा yes. मज़ीद पाँच की सेल बात कहीं ना कहीं से कवर हो जाएगी ये बातें ना वैसे आगे जाके मज़ीद क्लियर हो जाएंगी लेकिन अभी आपको थोड़ी बहुत समझाना ज़रूरी है कि जो सेल है ना सेल ये आपके कैपिटल में इजाफ़ा कर रही है जितनी ज़्यादा सेल करते रहेंगे उतना ही ज़्यादा कैपिटल बढ़ता जाएगा आपने अक्सर देखा होगा कि एक शख्स एक दुकान से अपने कारोबार का आगाज़ करता है और करते 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 एक फैक्ट्री बना लेता है कैसे बना लेता है सेल करता रहता है अपने कैपिटल में इजाफा करता रहता है करता रहता है और एक टाइम आता है उसका कैपिटल इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो उससे दूसरी दुकान बना लेता मानते हैं इस बात को तो याद रखिएगा जब आप सेल करेंगे तो एक तरफ तो आपका एसिड इंक्रीज होगा या कैश की फॉर्म में या डेटर की फॉर्म में अगर कैश से होगी तो कैश बढ़ जाएगा अगर क्रेडिट सेल होगी तो डेटर बढ़ जाएगा ओके और दूसरी तरफ कैपिटल इंक्रीज हुआ करेगा अब आए परचेज पे परचेज का सवाल हुआ था मेरे से उधार पे चीजें खरीद ली लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई इसमें तो कोई दूसरा सवाल नहीं है फिर क्या दूसरी चीज में फर्क पड़ेगा परचेज का होना कैपिटल में कमी है कैपिटल में कमी है तो याद रखिएगा कि जितने भी परचेज देखें परचेज है तो एक खर्चा ही हम उसका नाम परचेज ले रहे हैं पर है तो खर्चा ही क्या ख्याल है है तो खर्चा ही ना नाम उसका हम परचेज ले रहे हैं ताकि हमें पता लग जाए कि हमने वो चीज़ें खरीदी हैं जो कि हम बेच रहे हैं ठीक होगी बात तो जो चीज़ें आप बेचने के लिए खरीद रहे हैं उनको परचेजेस कहा जाता है खर्चा तो है तो अगर सेल करना कैपिटल बढ़ा रहा है तो खर्चा करना कैपिटल कम कर रहा है तो दूसरा इम्पैक्ट उसका कैपिटल में आ जाए बे बेफिक्र रहे हमने इसके बहुत सवाल करने परेशान बिल्कुल नहीं होना आपने मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है जो हमने ट्रांजेक्शन सारी करनी है दो तीन दिन अगले मैं आपको इसी में ही खपाऊंगा ओके कोई मसला ओके एक और सवाल है मेरा आपसे एक एसी खरीदा मैंने ठीक है मुझे बताइए ये मेरी परचेजेज़ हैं ये मेरा फिक्सड एसेट है या ये मेरा अदर एक्सपेंसेस है सोच के बताइएगा सोच के बताइएगा सोच के बताइएगा जी एसी ख़रीदा क्या ये परचेजेस हैं क्या ये एसेट है या ये अदर एक्सपेंसिज बताइए अदर एक्सपेंस भी एसेट भी दो चीज़ें हो गई दो चीज़ें वैसे हो नहीं सकती कोई एक होनी होनी चाहिए जी एसेट और अच्छा तो परचेज क्या होती है फिर तो फिर एसेट क्या होता है जी बिल्कुल बात जहन में रखिएगा सबसे पहले आपने देखना है कि जो चीज़ मैंने ख़रीदी है क्या ये वो चीज़ तो नहीं है जो कि मैं बेचने के लिए ख़रीद रहा हूँ क्या मेरा कारोबार इसी चीज़ का तो नहीं है अगर तो मेरा का, कारोबार एसी <coughs> बेचने का ही है तो फिर मेरे लिए परचेजेज़ हैं भाई ठीक है तो अगर मैंने फॉर सेलिंग परपजेज़ ख़रीदा है तो वो मेरी परचेजेज़ हैं भाई ठीक होगी बात यह बात समझ आ गई अगर मेरा कारोबार ही है खरीदने बेचने का है तो वो परचेजेज है मैंने यहां पे गाड़ी को बोला था एसेट ऐसे ही है लेकिन अगर मेरा गाड़ियों का शोरूम है तो मैं तो खरीदने बेचने का काम कर रहा हूं ना तो फिर मेरे लिए परचेजेज है कैपिटल में से माइनस हो जाएंगी ठीक है फिर ये जो छे लाख मैंने गाड़ी का बताया था वो यहां नहीं आएगा वो छह लाख यहां पर आएगा देखिए जीरो जीरो दोनों तरफ जीरो फिर ये एक और छः लाख पे ये तह पे हुआ था और ये आठ लाख की गाड़ी भी खरीदी थी ऐसे ही है जब ये आठ लाख की गाड़ी मैंने खरीदी थी और मेरा काम ही गाड़ियां खरीदने बेचने का है तो अब मेरे लिए ये एसेट नहीं रहेगा अब मेरे लिए परचेज बन जाएगी और कैपिटल में से आठ लाख कम हो जाएगा देखिए इक्वेशन की दोनों साइड्स फिर मैच ठीक होगी बात तो एक बात तो ये जहन में रखिएगा कि सेल का होना कैपिटल में इंक्रीज होता है और परचेज़ का होना कैपिटल में कमी होता है इसी तरीके से और कोई एक्सपेंस हो जाए उसका होना भी कैपिटल में कमी होता है ये क्यों होता है मज़द बातें वक्त के साथ क्लियर होती जाएंगी एक बात ये हो गई और दूसरी बात ये कि कैसे पता लगे कि ये परचेजेज़ हैं एसेट है या अदर एक्सपेंसेस है अगर चीज़ें आपने बेचने के लिए ख़रीदी हैं तो परचेजेस हैं अगर बेचने के लिए नहीं खरीदी फिर आप देख लें क्या वो एसेट की खसूसियात पूरी कर रहा है कौन कौन सी खसूसियात हैं जी कौन कौन सी खसूसियात हैं रिसोर्स है ओनड बाय द बिजनेस है फ्यूचर बेनिफिट दे रहा है इफ़ यस yes, तो फिर एसेट में डाल दें इफ नो no, तो एक्सपेंसेस में डाल दें और ये आपको ना कुछ ना कुछ समझ आ ही चुकी होगी कि कौन सी चीज़ एसेट है और कौन सी चीज़ अदर एक्सपेंसि है कुछ पेट चीज़ें ही होती हैं जो कि एसेट्स के अंदर आती हैं फर्नीचर हो जाता है ठीक है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो जाता है आईटी इक्विपमेंट लैपटॉप्स कंप्यूटर्स वगैरह हो जाते हैं जो ज़्यादा अरसा चल जाती हैं वो ही एसेट्स में आती हैं बाकी ये रेंट हो गया रिपेयर मेंटेनेंस हो गई बिजली के बिल हो गए ये तो रोज़ ही आते रहते हैं ये तो मस्ते रोज़ ही चलते रहते हैं ठीक है तो ये अदर एक्सपेंसेस में आते हैं तो ये इनशाला आपको तजर्बे के साथ ही बात समझ आ जाएगी ठीक है तो परचेजेस हैं या नहीं है ऐसे पता लगेगा कि ये हमारा कारोबार है या नहीं है अगर यही चीजें हम बेचते हैं <coughs> तो फिर क्या होगा जी फिर हमारे लिए परचेजेस है अदरवाइज नॉट सर आपका एक सवाल था इधर से एक भाई ने खड़ा किया था पचास लाख हमने जे जे फिर तो पंद्रह लाख बचे आ, फर्नीचर पड़ा हुआ है ना दुकान पे बेच देंगे ए सी हाँ कारोबार बंद कर दिया ना तो कारोबार बंद होने का मतलब क्या होता है कारोबार बंद होने का मतलब ये होता है कि चीज़ें ख़त्म करो अब वो दुकान में अपना फर्नीचर पड़ा तो नहीं ना छोड़ जाएगा ए लगा तो नहीं ना छोड़ जाएगा ऐसे ही है, वो तमाम चीज़ें बेच के या साथ लेके जाएगा ना ठीक होगी बात सर एक पेन मिल जाएगा ठीक है जी ओके इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल आप लोग अटेंडेंस लगवा लें